ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गीला होने से ख़राब हो जाता है, चाहे वो हमारा प्यारा मोबाइल या फिर हो लैपटॉप या फिर कोई टैबलेट। पर क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें बिल्कुल एंड तक, क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो लेट्स रोल अप द इंट्रो। पानी पीना एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। वो हमारे डिवाइसेस को ख़राब भी कर सकती है और वो हमारे डिवाइसेस को चला भी सकती है। ये चलाने वाला केस तो होता है इन्वर्टर में, इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी आप ये जान लो, जो पानी हमारे घरों में आता है नल में या हो बारिश का पानी, इनमें डिजॉल्व होते हैं बहुत सारे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट। और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो आरओ से आता है या फिर जो पैक होकर डिस्टिलरी वगैरह का पानी आता है, उससे ये चीज़ें बिल्कुल कम मात्रा में होती है या फिर होती ही नहीं है। और इसीलिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, ये पानी का बहुत ही बेकार कंडक्टर बन जाता है। और जहाँ उसमें क्लोरीन या फिर कोई और सॉल्ट पड़ गया, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तो वहाँ पर वो बन जाता है पानी का कतई जहर वाला कंडक्टर। आई मीन टू से, इट बिकम्स एन एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ वाटर। और आपको तो पता ही है, सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे मजाक तो होता रहेगा, आपका हमारा साथ रहेगा तो मजाक तो होता ही रहेगा। पर अभी आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। अब होता क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी एक स्पेसिफाइड रेंज में ऑपरेट करता है। मतलब ये फिक्स होता है कि वो कितनी देर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके कितना वर्क करेगा। मतलब उसे मिनिमम कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वर्क करने के लिए और मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो बेयर कर सकता है। जैसे कि ह्यूमंस का फिक्स होता है, अगर भूख कम है तो 2 रोटी खाएंगे, भूख ज़्यादा है तो 6 रोटी खाएंगे। अगर 2 रोटी से कम खा ली तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर 6 से ज़्यादा खा ली तो फिर आलस आएगा या फिर किसी काम में मन नहीं लगेगा। हाँ, और नींद भी तो आती है। मतलब यहाँ पर कम से भी काम नहीं चलेगा और ज़्यादा से भी नहीं चलेगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का भी, अगर कम इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो ये ऑपरेट नहीं कर पाएगा, अगर ज़्यादा मिलेगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बेयर नहीं कर पाएगा। अब ब्रेकडाउन में भी कई चीज़ें, या तो वो कंपोनेंट मेल्ट हो जाएगा, या फिर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या फिर वो सीधा काम करना बंद कर देगा। अब पानी ऐसा करता क्या है कि जैसे ही वो किसी कंपोनेंट में पड़ता है तो वो कंपोनेंट ख़राब हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं ना, उस कंपोनेंट पे पानी डाला तो वो कंपोनेंट नाराज़ हो जाएगा और बोलेगा, यार मुझे नहला दिया, मैं तो काम नहीं करूँगा। अब होता क्या है कि जैसे ही किसी डिवाइस में पानी गिरता है तो वो 2 कंपोनेंट्स के बीच में एक ब्रिज बना लेता है, जिससे कि एक्स्ट्रा करंट फ्लो करता है उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में। जो करंट पहले फ्लो कर रहा था वो रेंज के अंदर था, मतलब उतनी इलेक्ट्रिसिटी उस कंपोनेंट को चाहिए थी कि वो काम कर पाए। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पानी पड़ा तो उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में या 2 सर्किट के बीच में जो पानी की वजह से ब्रिज बना है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और होगा क्या कि उस कंपोनेंट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर पानी गिरने से एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बताया था ना, सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने ये फेनोमेना बड़े बड़े डिवाइसेस के लिए भी सुना होगा, जैसे कि आप सुनते होंगे कि ट्रांसफार्मर फूक गया। ऐसा क्यों होता है? उसमें होते हैं हजारों छोटे छोटे सर्किट, और ऐसा बेसिकली बारिश के सीजन में होता है। बारिश के पानी की वजह से उन हजारों छोटे छोटे सर्किट्स में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लास्ट में पूरा ही वो एक्सप्लोड हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी की वजह से उन सर्किट्स के बीच में ब्रिज बनता है और एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लग जाता है और अल्टीमेटली वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से। एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो शॉर्ट सर्किट पानी की वजह से होते हैं, ये उस समय होते हैं जब डिवाइस ऑपरेट हो रहे होते हैं, मतलब उनके सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होता है। अगर डिवाइस ऑफ हो और उसमें पानी गिर जाए तो बहुत कम डैमेज करता है, या फिर इन बहुत केसेस में बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है, क्योंकि सर्किट में तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। एग्जांपल के लिए लेते हैं आपका प्यारा फ़ोन, उसमें अगर पानी गिर जाए तो सबसे पहले उसे स्विच ऑफ करो। और एक बहुत ही टेक्निकल तरीका मैं बताता हूँ जिससे आप उसे सुखा सकते हो, अगर आप एक्सपर्ट हो तभी ट्राई करना। ये बहुत ही इंडिया का ट्रेडिशनल तरीका है। आपको करना क्या है, फ़ोन को चावल में डालो, चावल सारा पानी उसमें से सोख लेगा और आपका डिवाइस बिल्कुल सही सलामत बच जाएगा और आप दुआ दोगे मुझे। अब होता क्या है कि कुछ डिवाइस वाटर प्रूफ या फिर वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, ऐसा कंपनी क्लेम करती है, लेकिन कम्प्लीटली वाटर प्रूफ वो भी नहीं होते। आपने सुना होगा कोई भी फ़ोन, मतलब उसमें एक लिमिट होती है कि आधे घंटे तक पानी में डूबने से कुछ नहीं होगा, आधे घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बिना वाटर प्रूफ वाले डिवाइसेस हैं उसमें तो इंस्टेंटली असर कर जाता है पानी का, और जो ये वाटर रेजिस्टेंट डिवाइसेस हैं इनमें थोड़ा लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करता है। होता क्या है कि कोई भी मेटल जब पानी के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो कोरोड हो जाता है, और वहाँ पर जब कोरोजन होता है तो ये डिवाइस ख़राब हो जाता है। ये बहुत धीरे धीरे होता है।
कुछ एक इम्परमिएबल मदरबोर्ड या फिर फ़ोन बनाने के लिए वाटर रिपेलेंट जेल्स या स्प्रेज का यूज़ तो होता है, और ये आपको हर डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, थोड़ा सा लोगों के बजट में से ये बाहर चले जाता है। इससे आपका डिवाइस तो बच जाता है पर जो उस डिवाइस को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है, तो इसलिए ये हर डिवाइस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें यार, कमेंट भी कर ही दें, शेयर करें ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए कि पानी के वजह से ये सब होता क्यों है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।